राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय पंद्रह राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय पंद्रह अबियाम का राज्य। नाबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के अठारहवें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा और वह तीन वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उसके पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद की नाई पूरी रीति से सिद्ध न था। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहुबियाम के जीवन भर तो उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबिया के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। निदान अबियाम अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आसा का राज्य। इस्राएल के राजा यारोबाम के बीसवें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी, और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। परन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूर्ति को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। और आसा और इसराइल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा, और इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सबको निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्क वाली अराम के राजा बेहद्दत के पास, जो हिचकोन का पोता और तबरिमोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा कि जैसा मेरे और मेरे पिता के मध्य में वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूं, इसलिए आ, इसराइल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर बेंदद ने अपने दलों के प्रधानों से इसराइली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेलबेत माका और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिरसा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिससे बाशा उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए, और उसने राजा आसा ने बिन्यामिन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के और काम और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु
उसके बुढ़ापे में तो उसे पांवों का रोग लग गया। निदान आसा अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। नादाब का राज्य। यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इसराइल पर राज्य करने लगा और दो वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इसराइल से करवाया था। नादाब सब इसराइल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहिया के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। और यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यारोबाम के वंश को यहां तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ था जो उसने अपने दास शिलोवासी अहिया से कहवाया था। यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इसराइल से भी करवाए थे और उसने इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इसराइल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। बाशा का राज्य। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिया का पुत्र बाशा तिरसा में समस्त इसराइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इसराइल से करवाया था।